नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उन विद्यार्थियों से जिन विद्यार्थियों का 23 व 24 अक्टूबर को CET 10 प्लस 2 का एग्जाम है, उन विद्यार्थियों से। क्योंकि आज आपने 22 तारीख को देखा है कि किस लेवल के और किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेवेंट हो, चाहे वो राजव्यवस्था से हो, करंट GK से हो, तो उन्हीं को एनालिसिस करने के लिए आज मैं लाइव आ रहा हूं। लेकिन इस लाइव का जो मेन उद्देश्य होगा वो इन दो पारियों में आए हुए क्वेश्चंस का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और 23 और 24 अक्टूबर को किस आधार पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनकी इस लेवल पर व्याख्या करेंगे ताकि आपको ये सब चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि आपने एक बात तो देख ली होगी कि दो पारियों में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिवलेंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड रहे हैं। तो अब ये समझ के चलो आप कि आगे जो भी पेपर होंगे 23 को और 24 को, वो पेपर भी इनको भी और उनको भी पेपर को आपस में रिवलेंट करेंगे, क्वेश्चन टच करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स में से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने आज के इस सेशन को यदि ढंग से देख लिया जो मैं लाइव आऊँगा, तो ये समझ लेना उनका 23 और 24 तारीख को होने वाला जो पेपर होगा उसमें कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे नंबर आ जाएंगे। तो मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।